किसान भाइयों देखो, ईख बोने के बाद साथ साथ सीरा सागे का स्प्रे भी कर रहे हैं भाई साहब। देखो कंची भेल लग रहे, ये देख सकते हो आप। तो सोनू भाई एक मिनट रुको, आप अब ये बताओ जो सही आप ये। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, फार्मिंग एसके में एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नए और बहुत अच्छे युवा किसान से मिलवाने वाले हैं भाई। ये भी अलग अलग तरह से विधि थे, मतलब गन्ना बोते हैं और बहुत शानदार गन्ना भी वो रखा है इन्होंने ट्रंच विधि का। आज ये 42 इंच पे बुआई कर रहे, 48 इंच पे, आज ये 48 इंच पे बुआई कर रहे सिंगल लाइन ट्रंच की। तो एक बार भाई से जानकारी लेते हैं कैसे कैसे इन्होंने प्रबंधन करा सब चीज़ों का, और कौन सा बीज लगा रहे और किस तरह से लगा रहे। तो सोनू भाई जी नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। एक बार अब इधर को आओ खेत में को। तो किसान भाइयों, हम सोनू भाई जी से पहला भाई का परिचय लेते हैं। एक बार सोनू भाई अपना परिचय बताओ। गांव बड़ौदा, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना, नाम सोनू, संदीप भी कहते हैं वैसे, संदीप है नाम। तो सोनू भाई जैसा आप ये मतलब गन्ना बो रहे हो, इसमें पहले तो अभी बताओ बीज कौन सा बो रहे। ये बीज 15023 है, सिंगल आंख से 48 इंच पे सिंगल लाइन। अच्छा, तो इसमें मतलब अभी आपको मैंने देखा कि स्प्रे भी कर रहे हैं आप। हाँ, इस पे सीरा सागी का स्प्रे चल रहा साथ के साथ, खुड्डों में साथ साथ सीरा सागी का स्प्रे भी कर रहे हैं। और एक एकड़ में 3 बैग जो है सुपर फास्फेट के। अच्छा, और एक पोटास का और एक यूरिया का। अच्छा, वो भी साथ में डाल के उसके बाद कंची रखी, ये एक आँख की बड़ रखी है, और उसके ऊपर सिरा सागी करके फिर पटड़े से जो है या फावड़े की सहायता से उसको ढका जा रहा कंची को, हल्की मिट्टी करी जा रही। अच्छा, जैसा कि देखो किसान भाइयों, ये भाई ने खुड़ पाट रखे, देखो ये सिंगल बर्ड की बुआई कर रहे हैं, बिल्कुल एक बर्ड से थोड़ा दूर, मतलब गैप दे रहे हो आप, है ना, हर बर्ड में। हाँ। ये देखो जी, हर बर्ड में गैप दे रहे, करीबन 10 से 12 इंच का गैप, एक आँख से दूसरी आँख का जो गैप है वो 10 से 12 इंच है। और देखो सारा ऐसे रख रखा है इन्होंने, बहुत मेहनती है भाई, और भाई बहुत मेहनत वाला ईख बो रहे हैं भाई। उन्होंने देखो कितनी मेहनत है एक आँख को रखना। ये देखो सारे खुड्डों में ऐसे रख रखे, और ये जो बीच की दूरी छोड़ रखी है आपने 48 इंच, ये 48 इंच है। तो यानी कि एक खुड़ बुता होगा ट्रैक्टर से और एक फिर दोबारा उसी में निकालते होंगे। अच्छा, तो इसमें एक बात और ये बताओ, जैसा ये सिंगल ट्रंच की लाइन आप लगा रहे, फिर ये दोनों बीच में बन जाती होगी आपस में, आवश्यकता ना पड़े शायद, मिट्टी अच्छी चढ़ जाएगी तो बांधने की। तो साहब जैसा बोरे से मिट्टी कितनी चढ़ाओगे? मट्टी इस पर चढ़ा देंगे, पावर वीडर है उसका, किर्लोस्कर का। अच्छा, 1 फुट चढ़ा देगा, 1.5 फुट चढ़ा देगा, जितनी चाहो उतनी चढ़ा दियो मिट्टी। और अभी क्या प्रबंधन के लिए, जैसा आप ये गन्ना लगा रहे, ये खूड में जैसा आपने कंची लगा दी, तो इस पर हल्की मिट्टी दोगे पहले? हल्की मिट्टी पैर से कर रहे, कुछ फावड़े से कर रहे, कुछ लकड़ी के फावड़े से कर रहे, हल्की मिट्टी कर दे रहे कंची। अच्छा, मतलब हल्की मिट्टी डाल के फिर इसमें पानी चला दोगे ऐसे? ये चल गया पानी, भर गया है साथ साथ ही भर गया। अच्छा, इधर ही सारे पहले प्लॉट बो दिए, फिर हल्की मिट्टी डाल के पानी चला गया, फिर उसके बाद जब जमा हुआ अच्छा आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा पौधा, उसके बाद इस पे आप मिट्टी चढ़ाओगे पावर टिलर से। ये 7 बीघे का नंबर था। अच्छा, इसमें 5 मजदूर सुबह लेके आया था मैं, 3-4 आदमी हम भी थे। अच्छा, अब वो मजदूर अपना दोपहर तक का काम करके वापिस चले गए। हाँ, बोले जी अब नहीं करेंगे, दोपहर तक कर दिया बस। लेकिन आइडिया नहीं था मुझे कि 7 बीघे नहीं बो पाने का, 4-5 बीघे तक ही कवर हो सके एक दिन में, नहीं तो उससे ज्यादा ज्यादा आदमी चाहिए, फिर वो व्यवस्था नहीं बन पाती। और इसमें बीज कितना लग रहा है बीघे के हिसाब से देखा जाए तो? बीज तो इसमें जो है मेरे ख्याल से 7 बीघे में मन ने 33 पूड़ी 36 निकलवाई थी, 33 पूड़ी 15 दूनी 30, 15-16 क्विंटल बीज लगेगा 7 बीघे में। 7 बीघे में 15-16 क्विंटल बीज लगेगा बस, सिंगल मतलब सिंगल ट्रंच लाइन में। चलो भाई जी, एक बार ट्रैक्टर के पास चलते हैं और देख इनका प्रबंधन दिखाते हैं, इन्होंने 48 इंच पे कैसे मतलब वो बांध रखा लेजर। चलो सोनू भाई वहीं चलते हैं ट्रैक्टर के पास ही। ये लो जी किसान भाई, सोनू भाई आ गए, आप देख सकते हो इसी ही खूड़ में दोबारा खूड़ आ रहा है। एक मिनट देखो, ये खूड़ पटा हुआ है और इसी में ही खूड़ आ रहा है, पटे हुए खूड़ में एक बार रिटर्न आ रहा है। और वजन रख रखा भाई ताकि लेजर थोड़ा और नीचे ज़्यादा गहरे में जावे, गहराई ज़्यादा रहेगी तो फिर हमारे गन्ने की गिरने की जो आशंका है वो बहुत कम रहेगी। किसान भाइयों, हम आगे सोनू भाई के ट्रैक्टर पे, ये देखो जी इन्होंने कैसा प्रबंधन कर रखा। तो यो लेजर आपने कहाँ बनवाया था सोनू भाई? यो लेजर कहाँ बनवाया था आपने? यो लेजर तो वैसे तो ये 28 इंच वाली शादी विधि का ही है। अच्छा, जो 28 इंच शादी विधि वाला। हाँ, इसके पंखे थोड़े बड़े हैं। अच्छा, इसलिए जो हमने खरीद लिया था, इसीलिए खरीदा था मंगा भाई, जो टंच गहरा भी कर सके कूडर। वैसे भी इसका बीच वाला खोल दिया 48 पे, दोनों बांध दिया। अच्छा, बीच वाला देखो जी, बीच वाला ये खोल दिया भाई ने, और 48 इंच के गैप पे दोनों लेजर बांध रखे।
साथ में ही मट्टी के कट्टे भर के रखे वजन के मारी, ताकि वेट जरूरी है, ताकि खूड थोड़े गहरा गहरे पटे। हर खूड में पहली मिट्टी निकल रही तो इतना तो होना भी जरूरी है, जितना गहरा जाओगा उतना ही प्रबंधन बढ़िया रहेगा जमाव का, हल्की मिट्टी देगा। और देखो ये सारे भाई लग रहे, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे बुआई कर रहे। ये देखो बीच की 48 इंच की जो दूरी है इसमें तो ये कंचे रख रहे, बाल्टी तो ढोडो के काट के एक का कांक की। ये देखो जो एक आँख की कंची की बुआई की बहुत तगड़ी मेहनत है। ये देखो चाचा भी लग रहे हमारे, राणा चाचा भी लग रहे। ये देखो भाई ये भी बोन लग रहे, देखो ये देखो जी सहजाद नूना देवा दिखा दे यार सहजाद अपना मुंह, मजा आ रहा है एक बोने मनु बता। ये देखो जी एक आँख की कंची रख रहे हैं भाई और बड़ी मेहनत कर रहे। अब देखो सोनू भाई खूड़ पाड़ने में लग गई है। खूड़ एक समय में एक ही खूड़ पटता है, क्योंकि एक में रिटर्न लाना पड़े ट्रैक्टर को दोबारा। अब देखो जैसे दो खूड़ पाड़ रहा ट्रैक्टर यो, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो दो खूड़ पाड़ रहा है एक साथ। ये देखो ये बीच की जो दूरी है ये 48 इंच हो जा। अब जब उधर से ट्रैक्टर लाएंगे वापसी तो जो ये वाला खूड है इसमें ही एक खुरपा इसी में ही आएगा, तो एक समय में एक ही खूड पड़ता है बोने के लिए। अभी आएंगे वापसी में जब दिखाता हूँ। तो भाई थक गए था मैं बहुत आज तो हैं। ये देखो जी इधर तो थोड़ी मट्टी उठा ले बीच में, तक वहाँ से ऊंचा है थोड़ा। ये देखो जी 10-12 इंच का गैप पे बो रहे, 10-12 इंच थोड़ा थोड़ा गैप दे कंची में गैप है बतेरा। ये देखो जी सारी मेहनत लग रहे, इनके पिताजी भी लग रहे। देखो चाचा राणा आज वैसा ही बोया है, ये तो सोनी बो रहा है, कर ला हिम्मत सी थोड़ी है। तू तो कर रहा सब 23 बीज बोरे भाई, और देखो बहुत बढ़िया स्वाद सुंदर गन्ना है। दो तिलक कंची अन्नी भी लग रहा भाई, बाल्टियों तो कंची दे लग रहा सबको भाई, देख लो। अब देखो सोनू भाई उधर से आ रहे ट्रैक्टर ले गए। अब देखो प्रबंधन ऐसा है कि अब ये इसी में ही ट्रैक्टर लेके आएंगे एक खूड़ में, मतलब अगर दोनों खूड़ नहीं फाड़ेंगे तो फिर बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। देखो अब उधर से ट्रैक्टर ले लिया और ट्रैक्टर का पहिया इसी खूड़ में जो उनसे दो पार के गया था एक में।